लोकसभा चुनाव के नतीजे 16 मई को सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर बीजेपी अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और संघ संभावित कैबिनेट बनाने में जुट गया है। बीजेपी की सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो मोदी की टीम में राजनाथ सिंह गृह मंत्री, अरुण शौरी वित्त मंत्री, सुषमा स्वराज को विदेश और अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं आरएसएस के सूत्रों के मुताबिक संघ राजनाथ को गृह मंत्रालय, जेटली वित्त मंत्रालय, गडकरी को रक्षा मंत्रालय और सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय दिए जाने की वकालत कर रहा है। इनके अलावा बीजेपी और संघ दोनों चाहता है कि लालकृष्ण आडवाणी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सलाहकार के तौर पर रखा जाए। यानी राजनाथ के गृह, सुषमा के विदेश और आडवाणी के भविष्य के रोल पर बीजेपी और संघ एक मत है करीब करीब। लेकिन अरुण जेटली को आरएसएस रक्षा मंत्रालय की बजाय वित्त मंत्रालय देना चाहता है। इसके साथ ही संघ नितिन गडकरी को रक्षा मंत्रालय दिए जाने की बात कह रहा है। और हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित बताएं क्या कुछ ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है। देखिए, जैसे ही 12 तारीख को आखिरी दिन का मतदान हुआ उसके बाद ही जो एग्जिट पोल भी आए और जो उनके सर्वे भी अपने बता रहे थे, ये लगभग पार्टी के नेता ये मान चुके हैं, नरेंद्र मोदी मान चुके हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उनकी सरकार बनेगी। तो अब कवायद शुरू हो गई कि कौन मंत्रिमंडल संभालेगा, खासतौर से जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, जो जिसे कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री का कोर ग्रुप होगा उसमें, उस कोर ग्रुप में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो और पार्टी के सबसे बड़े नेता को क्या मिलेगा? तो जो संघ की एक पसंद है, संघ ने साफ तौर पर अपनी पसंद बता दी है कि वो राजनाथ सिंह को गृह मंत्री देखना चाहते हैं, वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली उनकी पसंद है, वो गडकरी को एकोमोडेट करना चाहते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में गडकरी को एकोमोडेट करना चाहते हैं एज अ डिफेंस मिनिस्टर, और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री। लगभग यही पसंद अगर देखें तो मोदी की भी है, लेकिन मोदी की पसंद में एक जो बदलाव है वो ये है कि वो अरुण शौरी, जो कि उनके पुराने विश्वासी हैं, बहुत उन्हें वो बहुत नजदीकी मानते हैं, हालांकि पार्टी से उनका संबंध अब नहीं है, पार्टी में कई बार बाहर है निकले हैं, और आज की डेट में स्थिति पूछा जाए तो बहुत लोगों को पता भी नहीं कि पार्टी में स्थिति क्या है, लेकिन वो पार्टी में बाहर है आज की डेट में। तो उन्हें वो वित्त मंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और अरुण जेटली को वो डिफेंस मिनिस्टर। तो ये लगभग खाका तैयार हो रहा है आज जो शाम को बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात कि दोनों इस बात पर सहमत है कि आडवाणी का सम्मान बना रहे, आडवाणी की अहमियत बनी रहे और उन्हें एक ऑरा दिया जाए जिससे उनके उनका जो लेकिन लेकिन अमित ये कैसे मुमकिन है, सम्मान रहे और सब कुछ रहे, कैसे आडवाणी को कहां फिट बिठाएंगे? जी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में उन्हें चेयरमैन का पद दिया जा सकता है, क्योंकि एक पैरेलल में कह सकते हैं जैसे कि यूपीए में एक पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पर देखा गया कि उनके उनकी जो सलाह थी उसके आधार पर यूपीए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। तो हालांकि यहां पर एक पावर सेंटर, दूसरा पावर सेंटर भले ही बनाने की बात करें, लेकिन दरअसल कोशिश होगी कि आडवाणी को एक और सम्मान देने की, इसलिए उन्हें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का के चेयरमैन बनाने की बात हो रही है। और इस पर लगभग बीजेपी के बड़े नेता भी सहमत हैं और संघ भी सहमत है कि उन्हें लगता है कि आडवाणी पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, मोदी कैबिनेट में वो शामिल नहीं हो सकते, तो फिर उनका किया जाए, उनके भविष्य को लेकर चिंताएं हैं और वो पार्टी चाहती कि ये ना लगे जब सरकार बने कि आडवाणी को अलग थलग कर दिया गया, और इसीलिए उसी के तहत ये विचार आया है कि उन्हें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बना दिया जाए और उन्हें एक अलग से पद दे दिया जाए। चलिए अमित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, कई चुनाव विश्लेषक हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ कुर्बान अली साहब जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और आनंद प्रधान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और शुरुआत प्रदीप सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। ये जो अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो ये जानकारी निकल रही है कैबिनेट को लेकर, जो रूपरेखा की जानकारी है, इसे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, मतलब आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? फिर एक बात तो समझ लीजिए, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री किसी हालत में नहीं होंगी। अच्छा, वो गृह मंत्री भले हो सकती हैं, अगर सुषमा स्वराज गृह मंत्री बनेंगी तो ये मान लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी गृह मंत्रालय का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी गृह मंत्रालय में किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जो उनका बहुत विश्वस्त हो, उनका प्रतिद्वंदी हो, ऐसा व्यक्ति गृह मंत्रालय में कोई प्रधानमंत्री नहीं। भी तो हो सकता है सर कि गृह मंत्रालय भी पीएमओ से चले। नहीं नहीं, ये हो सकता है कि कोई राज्य मंत्री हो, इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज हो, और जैसे अरुण नेहरू को इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर राजीव गांधी ने बनाया, उस तरह का हो सकता है। प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री बने तो वो अर्जुन सिंह को गृह मंत्री बनाना चाहते थे, सीताराम केसरी गए, बोला क्या कर रहे हैं, आपकी जड़ खोद देंगे। देखिए, आईबी रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर को, तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता
कि गृह मंत्रालय में ऐसा व्यक्ति हो जो उसके बिल्कुल वफादार, उसका बिल्कुल वफादार ना हो। जिस पर आप देखिए, सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को नहीं बनने दिया गृह मंत्री, पूरे 10 साल में नहीं बनने दिया। ठीक है, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी। कुर्बान अली, तो अगर नहीं कोई बन रहा तो उसकी योग्यता से उसका संबंध नहीं। पाटिल बने, उसके बाद चिदम्बरम बने जी। और ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अरुण जेटली के आवास में पहुंचे हैं अमित शाह उनसे मुलाकात करने के लिए। तो मेल मिलाप का दौर शुरू हो चुका है, सियासी हलचल बहुत तेज है। कुर्बान अली जी, नतीजे भले ना आए हो लेकिन मंत्रालय को लेकर कवायद शुरू है। ये तो आप करवा रहे हैं साहब, थोड़ा धीरज रख लीजिए। जानकारी मिली, फटिंग हो रही सर, ये हमने बैठक नहीं करवाई है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। परसों तक हम तो सोच रहे थे कि शायद हम लोगों को आपके यहाँ कुछ काम मिलता रहेगा, हम लोग जिसे हमारे मित्र उमेश चकल्लस कहते हैं वो करते रहेंगे। अभी इतनी जल्दी भी क्या है, ये कयास आराइयों पर देखिए किसी की मोनोपोली नहीं है। लेकिन जिस तरह से कल गुजरात के मुख्यमंत्री के लेकर के चर्चा हुई, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभाग भी बांट दिए, तो ये मुझे लगता है कि कुछ ज्यादती है। मतलब अभी अभी आप उम्मीद कर रहे हैं कुर्बान अली जी कि नतीजे बिल्कुल उलट हो सकते हैं एग्जिट पोल से? किसने कहा है कि नहीं हो सकते? किसी ने, कोई अल्लाह मियां ने तो कह नहीं दिया कि उलट नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये सब जो आप कह रहे हैं या ये आपके संवाददाता बता रहे हैं ये अक्षर सही हो जाए? नहीं, सही नहीं है, सब आकलन है। अभी तो सही कह रहे हैं आप, ये चुनावी चकल्लस ही है, लेकिन खबरें तो निकल कर सामने आ रही है ना, ये जो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है उसके संकेत तो निकलेंगे। कयास आ रही है करने पे, कल्पनाएं करने पे किसी की मोनोपोली नहीं है, कोई भी कर सकता है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी ये जो चर्चा हो रही है उसका आधार एग्जिट पोल है, उसके अलावा कोई जो है इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैसी चर्चा नहीं हो रही। एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, आपकी बात सही है जी जी जी। लेकिन जब तक वही जानकारी उपलब्ध है उसी आधार पर आप चर्चा कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कुर्बान अली जी और आप रहेंगे हमारे साथ, आपसे बातचीत होगी। आता हूं सर आपके पास, लेकिन दर्शकों को सुनवाते हैं इस वक्त शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता है, सुनिए। के खिलाफ भी लड़ी है, उनको भी लगता है कि अब देश के अंदर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बन रही है, तो पहले दिन ही ये नारा नरेंद्र भाई ने दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो हम तो कहीं से भी पहले से कह रहे हैं हम सबका साथ लेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। लेकिन हमें बहुमत प्राप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीट मिल रही है, एनडीए सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है, कहीं पर कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन कोई हमारे साथ आना चाहेगा तो पहले से हमारे दरवाजे तो कभी बंद नहीं होते, ये कांग्रेस के दरवाजे नहीं हैं जो संकुचित रहे, हमारे दरवाजे हरदम खुले रहते हैं। सरल तौर पे देखा जा सकता है इसे? देखिए अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसमें अब कांग्रेस के लोगों को भी शक शुभा नहीं होगा। बीजेडी भी आने को कहा जा रहा है, बीजेडी भी आ सकती है, एक सॉफ्ट अप्रोच है। अभी तो देखिए ना, हमें, मैं ये कहने को अधिकृत हुआ हूँ, न कोई पार्टी के नेता को अधिकृत किया गया है। जो भी तय होगा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद होगा। अभी तो इतना मालूम है कि देश की जनता ने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बना दिया है, बस 16 तारीख का इंतजार है। सर एग्जिट पोल में जहां बीजेपी में उत्साह का माहौल है, कांग्रेस में ब्लेम गेम शुरू हो गया। जो पूरा राहुल गांधी खेमा है वो पूरा आरोप जो है वो सरकार पर लगाने पे जुटे हुए हैं, मनमोहन सिंह पे सारा ब्लेम लगाने पे जुटे हुए। वो फेस सेविंग के लिए तो ये कांग्रेस के लोगों को करना ही पड़ेगा, और जब भी वो लोग जीत जाते हैं तो क्रेडिट। तो सरकार बनाने के लिए सभी के दरवाजे खुले हुए हैं और सबका साथ सबका विकास जो नारा बुलंद किया था बीजेपी ने, उसको नए तरीके से परिभाषित करते नजर आए शाहनवाज हुसैन। अनिल बंसल जी, ये सबका साथ सिर्फ जनता के लिए नहीं था कि सभी जनता का साथ, उसमें पार्टियों के लिए भी ये नारा शायद दिया गया था, ऐसा समझा रहे हैं शाहनवाज हुसैन। देखिए आपने जो बात की ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि मंत्रिमंडल और सारी जो बैठकें चल रही हैं, दो चीजें हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में बैठकें लगातार चलती रहती हैं। हर बैठक का हम ये भी अर्थ नहीं निकाल सकते कि वो मंत्रिमंडल की चर्चा के लिए हो रही है। अभी बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक रणनीति है भाजपा की और संघ की कि कांग्रेस को आइसोलेट करना है, जो छोटे क्षेत्रीय दल है, दूसरे दल हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो तो भी, न जरूरत हो तो भी अपने साथ ज्यादा जोड़ना है, उनके साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते करने हैं, भले वो एनडीए में आए चाहे नहीं आए। तो एक रणनीति ये भी हो सकती है कि मानकर चलते हैं कि मान लो हमारी 250 आई तो 20 की जरूरत है, तो 25 की जरूरत, तो कहां से लाएंगे? तो सब चीजों पर पार्टी के नेता मंत्रणा करते हैं, मंत्रिमंडल की बात भी होती है, इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि एस्पिरेंट्स
जब चुनाव के पहले भी लोग मंत्री बनने के सपने देखते हैं, चुनाव के नतीजे आने के बाद तो करते ही हैं, तो इसमें कोई अटपटी बात नहीं है। पर ये बात निश्चित रूप से है कि हर बैठक का अंदर क्या मंत्रणा हुई, हम लोग कयास ही लगा रहे हैं अभी, वो कयास जो है उसमें आधा सही भी होता है आधा गलत भी होता है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। विनोद अग्निहोत्री जी, सरकार बनाने की तो कवायद जारी होगी ही, लेकिन मंत्रालय को लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा हो रही होगी, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात से अंदर खाने तमाम बातें चल रही होंगी। नहीं, मुझे लगता है अभी ज्यादा प्राथमिकता जो है मंत्रालय को लेकर के अनौपचारिक रूप से बातचीत भले आपस में होती हो, लेकिन अभी कोई औपचारिक चर्चा बैठ कर क्या चलो बैठ के मंत्रालय बांटे ऐसी स्थिति नहीं हो रही है। मुझे अनिल जी की बात बिल्कुल सही है कि अभी ज्यादा फोकस जो है ये है कि कैसे, अगर क्योंकि देखिए इंटरनल असेसमेंट जो पार्टी का है एग्जिट पोल अपनी जगह है, एग्जिट पोल के बावजूद इंटरनल असेसमेंट जो है जो आरएसएस का सर्वे तथाकथित जो सामने आया है उसमें भी नंबर कम आते दिखाई पड़ रहे हैं और पार्टियां भी मान रही हैं, शहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो अभी दरअसल दरवाजे खोलने की बात हो रही है कि भाई नवीन पटनायक से कौन बात कर रहा है, जयललिता से आप बात कर लेना, जरा मुलायम सिंह जी को गुड ह्यूमर में रखना, क्या नीतीश कुमार आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, अभी ये सब चल रहा होगा। चंद्रबाबू नायडू ठीक है, जगन रेड्डी से बात की जाए, अभी ये चल रहा होगा एक। और दूसरी बात यह है कि जो भाजपा के अंदर जो अपना जो एक जो बड़े नेता है उनको कैसे शांत रखा जाए, उनको कैसे गुड ह्यूमर में रखा जाए, भाई अडवाणी जी नाराज ना हो, जरा गडकरी जी आप मिलाइए उनसे, राजनाथ जी ठीक है, बात कही विनोद जी, वहीं से मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं और आनंद प्रधान जी से मेरा सवाल है, मंत्रालय को लेकर आगे चर्चा होगी, लेकिन क्या वाकई आगे चर्चा होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है यह भी हो सकता है कि कागज कलम लेकर बैठ जाए उस पर तय कर दें किसको कौन सा मंत्रालय देना है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कल गुजरात में विधायक दल की एक बैठक हुई जिस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात पर सबका ध्यान नहीं गया शायद, या मुझे लगता है कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।